आजकल की हैवी लाइफस्टाइल वाले समय में ज़्यादातर लोगों में मोटापे की समस्या बहुत ही ज़्यादा सामने आ रही है, और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि इस मोटापे से बचने के लिए डाइटिंग या एक्सरसाइज करने का समय ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, और अगर कोई इंसान ऐसा कर भी लेता है तो कुछ समय के बाद उसका मोटापा फिर से वापस आ जाता है, और यही सब समस्याएँ हमारे सामने डेली लाइफ में आ रही हैं। लेकिन अभी अभी हाल ही में FDA नाम की एक संस्था जो कि अमेरिका में दवाइयों और खाने पर निगरानी रखती है, उसने एक ऐसी दवा को मंजूरी दी है जो कि 15% मोटापा सिर्फ 14 महीने के अंतराल में कम कर सकती है, और ये उन्होंने कई सारे लोगों में शोध करके पता लगाया है। जिन लोगों पे इसका शोध किया गया उन्होंने 2 साल के अंदर लगभग अपना 30 किलो तक वजन कम किया, और ऐसा FDA द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। FDA के मुताबिक ये दवा ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं करती है, हालांकि कुछ लोगों में उल्टी और डायरिया जैसे कुछ सिम्टम्स सामने आए हैं। साथ ही थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों में ये दवा नहीं प्रयोग की गई क्योंकि उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस थे, तो जिनको थायराइड है उनके लिए दवा भी उपलब्ध नहीं होगी, तथा बाजार में अभी ये कैप्सूल रूप में नहीं है पर जल्दी ही आ जाएगी, अभी इसके सिर्फ इंजेक्शन मिलते हैं, तथा ये दवा मोटापे की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। ये दवा थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों के अलावा बाकी सभी के लिए बहुत ही आसानी से उपयोग की जा सकने वाली, मोटापा से बचाने वाली एक वरदान के रूप में सामने आ रही है। यानी वैसे गोली खाइए और अपने मोटापे से पूरी तरह से निजात पा लीजिए, और कुछ इसी तरीके से कंपनी इसका प्रचार भी करेगी। अभी इसकी कीमत तय नहीं की गई है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयोग हुआ उसी हिसाब से इसकी कीमत रखी जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से इसकी कीमत होगी उसी हिसाब से इसका प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जनता किफायती दवाओं की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान देती है। लेकिन FDA से मंजूरी मिलने का सीधा सीधा मतलब है कि ये इंसानों के लिए पूरी तरह से सेफ दवा बनाई गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका जो भी सोचना है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमसे अपने मन की बात भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।